हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज टू टाइम्स मैग्नीफाइड रियल। एक मिरर है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है जो दो गुना बड़ी है और रियल है उसका नेचर। इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, स्क्रीन जहां पर इमेज बन रही है वो डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर कट करना है कि यहाँ पे कौन सा मिरर गिवन है। हमें पता है प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स में से सिर्फ कनकेव मिरर ही वो मिरर है जो कि रियल इमेज बनाता है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर मिरर की बात हो रही है वो कनकेव मिरर की बात की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कनकेव मिरर, क्योंकि इमेज रियल है और सिर्फ कनकेव मिरर ही वो मिरर है जो रियल इमेज बनाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कनकेव मिरर का एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको लेबल कर दूंगा पी एफ एंड सी। फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब जो स्क्रीन है वो 60 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, बिना एफ की नॉलेज के हम लोग 60 सेंटीमीटर को मार्क नहीं कर सकते। हमें पता है कनकेव मिरर में रियल इमेज लेफ्ट साइड बनती है, तो इसका मतलब है जो वी की वैल्यू है वो यहाँ पर नेगेटिव ली जाएगी और -60 हम लोग लिख देंगे। फोकल लेंथ की बात करेंगे, फोकल लेंथ हमें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमें यहाँ पर यू भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो उसको भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि मैग्नीफाइड टू टाइम्स, तो यानी कि m की वैल्यू मुझे दे दी है 2, यानी कि 2 लिख देंगे। लेकिन हमें पता है अगर रियल होता है तो m की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसीलिए m की वैल्यू पे नेगेटिव पुट करेंगे। नेगेटिव इंडिकेट्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड और 2 हमें गिवन है। अब m का एक फॉर्मूला आपको पता है, मिरर में -v/u होता है। m की वैल्यू माइनस का 2, ये माइनस है, वी की वैल्यू -60 है तो माइनस का 60 लिख देंगे। यू की वैल्यू हमें नहीं पता तो यू को यू रखेंगे, माइनस माइनस प्लस यू रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नेगेटिव भी साथ ले जाएंगे, तो यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने 30 सेंटीमीटर पर रखा है। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ, तो हम लोग यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। वी माइनस का 60 है, यू माइनस का 30 है, फोकल लेंथ हमें नहीं पता, माइनस का 1/60 प्लस इनटू माइनस माइनस इज इक्वल टू 1/f। हम लोग एलसीएम ले लेंगे 60, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/60। तो 1/f जो है वो माइनस का 1/20 हो जाएगा। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट माइनस का 20 और साथ में लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जिस मिरर की बात हो रही है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है एफ हो गया ये 20। अगर मुझे रे डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो 30 कहाँ पे आ जाएगा, C और F के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पहली रे पैरेलल आई, F से मुड़ जाएगी, दूसरी रे को F से पास करवा देंगे बाय रूल, और टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे बन जाएगी इमेज एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर, और ये हमारा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 20 20 40 होता है तो आगे 20 और प्लस हो जाएगा। ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश।
तो हालांकि उन्होंने पूछा नहीं था रे डायग्राम, लेकिन अगर कहें तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि बाय कन्वेंशन एफ लेफ्ट साइड है मेजरमेंट में, तो वो नेगेटिव ही आना चाहिए। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।